क्वेश्चन 8, सीताराम गंगाराम एंड राजा राम, जय श्री राम। आर द पार्टनर शेयरिंग पॉपुलेशन इन द रेशियो ऑफ 4:2:3। ऑन 1st April 2019 दे अग्रीड टू डिजॉल्व द पार्टनरशिप एंड देयर बैलेंस। ये क्या कर रहा हूँ मैं? अच्छा यही समय ना, ओ मुझे कुछ ज़्यादा नहीं डेटा है, भरा पड़ा भाई, खाते पीते घर का। ओके ओके, कैपिटल अकाउंट ऑफ सीता गंगाराम एंड राजाराम वी गॉट, वी हैव रिजर्व फंड, वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो, लाइबिलिटी साइड है। हाँ तो रिजर्व फंड कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या प्रॉफिट लॉस वो भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिकॉज लाइबिलिटी साइड है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट समटाइम लाइबिलिटी साइड भी रहेगा, समटाइम असेट साइड। इफ ऑन द लाइबिलिटी साइड है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, इफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट असेट साइड है कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट लॉस यू हैव टू सी दैट विच साइड इज देयर, अगर लाइबिलिटी साइड है तो वी विल पुट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, ए क्या कैपिटल अकाउंट, और अगर डेबिट साइड है तो डेबिट में पुट करेंगे। ओके, लोन फ्रॉम तुकाराम, तुकाराम पार्टनर है क्या? नहीं, तो आउटसाइड लोन है। ओके, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर इन्वेस्टमेंट बिल रिसीवेबल डेटर स्टॉक कैश इन हैंड कैश एट बैंक। अब कैश इन हैंड भी है कैश एट बैंक भी है, हाँ तो आउट टू प्रेजेंट देखते हैं। व्हेन द कैश इन हैंड कैश एट बैंक गिवन, तो क्या करना है जब कैश बैंक अकाउंट ड्रॉ करते हैं हम लोग, और यहाँ क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रोक डाउन बराबर। हाउ मच द कैश इन हैंड वी गॉट, 5,500। हाँ मतलब कैश एट बैंक वी गॉट 2,000। ये दोनों अमाउंट को ऐड करके लिखने हैं, 7,500। व्हेन देयर इज अ सेपरेट कैश इन हैंड कैश एट बैंक गिवन, तो दो बार मत लिखना, टू बैलेंस ब्रोक डाउन 5,500, टू बैलेंस ब्रोक डाउन 2,000, नो वी विल राइट बाय कंबाइनिंग दिस टू अमाउंट 5,500 एंड 2,000, तो 7,500। मैं क्या बोल रहा हूँ, कैश बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रोक डाउन 7,500, 5,500 एंड 2,000, दोनों का अमाउंट को ऐड करना है। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन, असेट रियलाइज वी गॉट बिल्डिंग मशीनरी, अब पल्लवी जी सारे वैल्यू गिवन है, बिल्डिंग 46,750, मशीनरी 18,550, फर्नीचर 9,600, आई इन्वेस्टमेंट 10,650, बिल रिसीवेबल एंड डेटर 20,720, मतलब दोनों का कंबाइन अमाउंट है, बिल बराबर ना, या बिल रिसीवेबल एंड डेटर का दोनों का कंबाइन अमाउंट रिमेंबर 20,750। ऑल द लाइबिलिटी पेड अप, सारे लाइबिलिटी को अपने को पे करना है। What अमाउंट, बुक वैल्यू, द कॉस्ट ऑफ रियलाइज वाज 800, कॉस्ट मतलब एक्सपेंस, तो रियलाइज का एक्सपेंस कितना है, 800। ओके, यहाँ तक तो नॉर्मल ऐसा है जैसा कर रहे हैं हम लोग। नाउ राजा राम बिकम बैंक्रप्ट, राजा राम क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक्रप्ट मतलब इंसॉल्वेंट। ओके, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर, ओनली राजा राम इंसॉल्वेंट। ओके, तो राजा राम का जो भी शॉर्टेज होगा फंड, हु विल ब्रिंग, गंगाराम एंड सीताराम दे हैव टू ब्रिंग। तो राजा राम बिकम इंसॉल्वेंट, दैट्स बैंक्रप्ट, एंड ओनली 1,100 वर रिकवर फ्रॉम हिज स्टेट, स्टेट मतलब प्रॉपर्टी। क्या बात कर रहे सर, मैं तो सुना था कौन से स्टेट से आया, तो यार महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, क्या वो स्टेट में एस आता है, STAT, ये ES है, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी मार्केट। ओके, तो राजा राम इंस्टॉलमेंट हो गया, तो मैंने कल बोला था अरे कोई पार्टनर इंस्टॉलमेंट हुआ तो कुछ पैसे लेके आना है, अपना खून बेच के लेके आया, हड्डी बेच के लाया, कुछ भी लाए भाई, तो थोड़े बहुत पैसे वो ब्रिंग कर रहा, कितना पैसे ब्रिंग कर रहा वो, 1,100 बस। सो रियल अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ऑल द पार्टनर्स, तो ये सब नॉर्मल समय कि इंस्टॉलमेंट का समय, इंस्टॉलमेंट, वन पार्टनर ऑल पार्टनर, वन पार्टनर इंस्टॉलमेंट समय। ओके,
फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल रियलाइजेशन क्लोज, सेम करना जैसे हम लोग पहले कर रहे हैं वैसे ही हम करेंगे। स्टार्टिंग से लेके रियलाइजेशन क्लोज करने तक का प्रोसीजर रिमेन सेम है। देर आफ्टर वी विल गो फॉर अ वर्किंग नोट, एक वर्किंग नोट करना है। जो भी पार्टनर इंस्टॉलमेंट हुआ रहेगा उसका डेबिट कैपिटल का टोटल करना है। पहला डेबिट, सर डेबिट पहले पे क्रेडिट, पहला डेबिट ओके ना, एंड देन फिर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। दोनों का बैलेंस करो, डिफरेंस माइनस करो एंड गेट द बैलेंस एंड सी दैट इंस्टॉलमेंट पार्टनर ब्रिंगिंग सम अमाउंट और नॉट ब्रिंग कर रहा है क्या, यस दैट 1100 ब्रिंगिंग उसको माइनस कर दो। बाकी का बैलेंस क्या है, शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ फंड एंड दैट शॉर्टेज अमाउंट विल बी शेयर बाय द नो शॉर्टेज अमाउंट विल बी शेयर बाय द अदर सॉल्वेंट पार्टनर। तो देर इज अ टू एंट्री, पहले वो कैश ब्रिंग का एंट्री, कैश बैंक टू सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट का गवाह है इंसॉल्वेंट, कैश बैंक टू इंसॉल्वेंट पार्टनर। बाद में जो शॉर्टेज होता है उसके लिए एंट्री है सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट, टू एक्स्ट्रा एंट्री वी हैव टू डू। ओके बच्चों चलो देखते अभी दीदी जी, चलो फर्स्ट कैपिटल गिवन सीताराम गंगाराम है राजाराम। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रोक डाउन 65,000, देन 45,000 एंड देन 7,000। ओके बच्चों ये हो गया आपका कैपिटल 65, 45 एंड 7,000। देन वी गॉट रिजर्व फंड, रिजर्व फंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रिजर्व फंड 18,000। व्हाट इज द रेशियो, 4, 2, 3, 9, 9 to 18। तो अब क्या करें हम लोग, 4 + 2, 6, 6 × 3, 9 ना, 18,000 / 9 तो 2,000, 2,000 × 4, 8,000, 2,000 × 2, 4,000, 2,000 × 3, 6,000। सबको मालूम है कैसे करते हैं, पल्लू जी रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करने आएगा ना, देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी लाइबिलिटी साइड है, दैट इज अ क्रेडिट साइड है, सो प्रॉफिट लॉस ऑल्सो विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। वी गॉट 5,400, ओके 4 is to 2 is to 3, 9, 9 6 ज़्यादा 6 for 2,400 बराबर है, देन कितना आ जाएगा 1,200 और फिर 1,800 राइट। बस तो रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट लॉस बोथ ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट लाइबिलिटी साइड है दैट्स वाई क्रेडिट साइड, अगर प्रॉफिट लॉस असेट साइड होता ना तो डेबिट साइड लिखते थे हम लोग। ओनली प्रॉफिट लॉस खाली साइड चेंज कर सकता है, मतलब समटाइम डेबिट गिव प्रॉफिट और डेबिट साइड अंदर मीन्स लाइबिलिटी साइड और समटाइम असेट साइड, अदरवाइज रिजर्व फंड जनरल रिजर्व दे ऑलवेज रिमेन ऑन लाइबिलिटी साइड। देन वी गॉट लोन फ्रॉम तुकाराम एंड संडी क्रेडिटर बिल्स पेबल, ऑल थ्री इज अ आउटसाइड लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय संडी लाइबिलिटी। ओके बच्चो वी गॉट लोन फ्रॉम तुकाराम, लोन फ्रॉम तुकाराम कितना है 10,000। देन क्या है संडी क्रेडिटर, संडी क्रेडिटर्स 12,000, देन बिल्स पेबल कितनी जो चो, तो वी गॉट द संडे लाइब्रेटी ऑल थ्री आउटसाइड लाइब्रेटी। चलो लाइब्रेटी साइड कंप्लीट हो गया, लेट कम टू द असेट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, बिल्डिंग 55,000, मच्छी
25,000। फर्नीचर 12,000। इन्वेस्टमेंट 15,000। बिल रिसीवेबल 3,500। सन्ड्री डेटर 21,000। स्टॉक 28,000। कैश इन हैंड, वेट, कैश इन हैंड कैश बैंक, वेलकम टू द कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रोक डाउन, ओके, उसके अंदर कैश इन हैंड का अमाउंट कितना है 5,500 एंड प्लस कैश एट बैंक है 2,000, दोनों को कंबाइन करके लिखो, हाँ 7,500, ओके, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों को कंबाइन करके लिखना है। डोंट राइट टू टाइम कैश टू बैलेंस ब्रोक डाउन, टू बैलेंस ब्रोक डाउन, नो सर, एक को स्टार्ट लिख दें, एक को स्टार्ट लिखे, दोनों असेट साइड ही दिया है, ओके, तो कुछ बच्चों क्रिएटिविटी कर दिया, कुछ नया रिमेंबर। तो अगर एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट, तो जब दोनों सेम साइड है तो हाउ कैन यू स्प्लिट द डिफरेंट टू डिफरेंट साइड, तो दोनों कंबाइन करके लिखो, ठीक है बच्चा। ये ऑल आइटम ट्रांसफर हो गया, ठीक है शिवम जी, कुछ बोलना चाह रहे हो बोलो, कुछ नहीं बोलना है, ओके, चल अपने को रियलाइजेशन क्लोज तक नॉर्मल एज यूजुअल जैसा करते हैं वैसा करते आओ। अभी क्या दिया एडजस्टमेंट, असेट रियलाइज क्या करते हम लोग, क्या असेट डेबिट साइड रियलाइज किया तो क्रेडिट साइड, असेट डेबिट साइड ना तो रियलाइज क्रेडिट साइड, तो बाय कैश बैंक असेट रियलाइज। ये सब मैं शॉर्ट फॉर्म में सी बी मैं लिखता हूँ, आप लोग एग्जाम में मत लिखना सी बी भी है ना, असेट रियलाइज। Should I go? चल पल्लवी जी, अब असेट्स का वैल्यू एडजस्टमेंट में है, सो वी विल यूज दैट वैल्यू, रिमेंबर, ओके, कुछ भी मेंशन नहीं होता तो बुक वैल्यू लेने का। अब पहला दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग का क्या रियलाइजेबल वैल्यू है 46,750, ओके, यस। देन वी गॉट मशीनरी 18,550। देन फर्नीचर, फर्नीचर 600। देन इन्वेस्टमेंट 10,650, ओके बच्चो। देन बिल रिसीवेबल एंड डेटर दोनों का कंबाइन है, ऐसा नहीं सोचना कि बिल रिसीवेबल का सर अमाउंट नहीं दिया है तो हम लोग ये वाला अमाउंट ले लेते हैं बुक वैल्यू, उधर बिल रिसीवेबल एंड डेटर, तो डेटर का अमाउंट है, बिल रिसीवेबल का अमाउंट मिसिंग है, यू कैन टेक दैट बिल रिसीवेबल अमाउंट इज द बुक वैल्यू, इफ देयर पॉलिसी इज द बुक वैल्यू दे विल गिव यू द बिल रिसीवेबल टेकन एट और रियलाइज एट बुक वैल्यू, यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं है और सब ईच एंड एवरी आइटम का देर इज वैल्यू गिवेन एक्सेप्ट दैट बिल रिसीवेबल। सो बिल रिसीवेबल एंड डेटर दोनों का कंबाइन अमाउंट कितना है 20,500 है, अच्छा जो भी 20,750, ओके ना, वो 20,750 प्योरली ओनली डेटर का नहीं है, बिल रिसीवेबल एंड डेटर दोनों का कंबाइन अमाउंट है, तो बिल रिसीवेबल एंड डेटर 20,000, समझ में क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों कंबाइन अमाउंट है, और कुछ है बस 9, 9 and 5, 9, 5, 14, 20, 20, 33, 3, पक्का एक सेकेंड, 9, 17, 17, 25, 25, 2, 6, 6, 7, 7 and 13, क्या बोले सर आपने,
और इस साइड 1,08,300 आ रहा है। और कौन क्या है आई बाप रे पाउस का भाई, सब लोग बोली लगा रहे। सो इन रियल एसेट अकाउंट बाय कैसे, पल्लवी जी इन रियल एसेट बाय कैसे? अब क्रेडिट साइड लिखे ना तो ऑब्वियसली यार अपने अदर इफेक्ट विल गो टू द अपोजिट साइड, एक क्रेडिट है तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में जाने वाला है। ओके इन रियल एसेट वी रिटर्न द बाय कैश बैंक, तभी कैश बैंक वाले लिखने टू रियल एसेट, एक क्रेडिट था तभी इधर डेबिट साइड आएगा। टू रियल एसेट का नो नीड टू राइट द ऑल एसेट्स का डिटेल, खाली यहाँ लिखते हम लोग सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड। ओके 1,06,300 एसेट रियलाइज हो गया। ठीक है बच्चों, तो इम्पोर्टेंट ये था बिल रिसीवेबल का। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं बिल रिसीवेबल का अमाउंट नहीं दिया है तो लोग क्या अर्ज्यूम करते हैं बुक वैल्यू लेते हैं, दे हैव टू मेंशन दैट। ओके ना, तो पूरा क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसके हिसाब से यहाँ रखना है वो 2750 के अंदर डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों का कंबाइन अमाउंट हो। देन गिवन ऑल द लाइबिलिटी वेयर पेड ऑफ, ऑल लाइबिलिटी पेड ऑफ, लाइबिलिटी पे करना है रियल एसेट, अगर लाइबिलिटी क्रेडिट साइड है ना तो पे किया तो डेबिट साइड टू कैश बैंक, लोन फ्रॉम तुकाराम, लोन फ्रॉम तुकाराम कितनी 10,000, कुछ बोला नहीं तो बुक वैल्यू, संडे क्रेडिटर्स 12,000 एंड बिल्स पेबल 4,600, तेगा 22,600 राइट है, राइट ही रहेगा। अब रियलाइजेशन टू कैश, अब डेबिटेबल तो पल्लवी का लिखूँ मैं इसको अभी क्रेडिट साइड बराबर ना, वर्ड क्या यूज करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, संडे लाइबिलिटी पेड नहीं सोचा ना कि आज चलता हूँ, कल से तो छुट्टी मिल जाएगा दिवाली का, नहीं मिलेगा तो ले लेंगे अपन। चलो हो गया बच्चों इतना 26,600 हो गया। अभी क्या दिया था कॉस्ट ऑफ रियलाइज 800, कॉस्ट ऑफ रियलाइज, कॉस्ट मीन्स एक्सपेंस। ओके शिवम बोलो एक्सपेंस, गुड मॉर्निंग। हाँ एक्सपेंस का एंट्री चार कदम आगे जाओ और आप छह कदम फिर पीछे आ जाओ। अब हम लोग इंस्टॉलमेंट से काम कर रहे हैं और अब आपको पीछे का भी एक एंट्री भी नहीं हो रहा है। रियलाइजेशन टू कैश बैंक, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन कितनी 800, रियलाइजेशन टू कैश बैंक, कैश बैंक में बाय रियलाइजेशन, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन। ओके बच्चो ये हो गया रबना। चलो अभी लास्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है बैंक करप्ट से, जैसे ही बैंक करप्ट से क्या है ना उधर पे वो जो पेमेंट कुछ लेके आ रहा है 1,100 रुपये कुछ, वो लाइन को होल्ड कर देने का, वो लाइन को होल्ड करना है। बैंक्रप्सी वाला लाइन है ना इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी का लाइन, जस्ट होल्ड इट, उसको छोड़ के बाकी सब एडजस्टमेंट पहले करो आप। और बाकी कुछ बैलेंस है क्या लेफ्ट? आई सेइंग दैट इंसॉल्वेंसी उधर क्या दिया है, राजा राम बिकम बैंक्रप्ट एंड ही ब्रिंग द 1,100 फ्रॉम हिज स्टेट, दैट लाइन को होल्ड करने का। इंसॉल्वेंट हो गया सम पार्ट ऑफ अमाउंट ही ब्रिंगिंग दैट, जस्ट वेट उसको ओवर, वो एंट्री बाद में करेंगे हम लोग। उसको छोड़ के बाकी कुछ भी रहा ना डू इट फर्स्ट। तो और कुछ बैलेंस है क्या? ऑल असेट हो गया, लाइबिलिटी भी हो गया, एक्सपेंस भी हो गया बराबर बच्चों। फिर हम लोग क्या करते हैं टॉर्च लेके देखते ना
इधर का ऑलरेडी पे हो गया, वो यूजुअल है, हाँ वो चेक करना है। लाइबिलिटी ऑल पेड हो गया ना, लोन क्रेडिटर एंड बिल ऑल लाइबिलिटी पेड, बस तब पहले आप रियलाइजेशन क्लोज करो। चलो बच्चों, हमने तो अच्छे साइड का पूरा लिखा था ना बच्चों, नहीं कैश बाकी था। चलो थोड़ा करते फिर भाई, 2 0 8 6 14 14 and 5 19 1 7 7 15 15 16 16 3 19 19 24 24 and 2 26 26 and 36 3 8 8 to 10 10 12 12 and 4 16 16 and 2 18। ये आ गया आपका डेबिट साइड टोटल, क्रेडिट साइड टोटल 300 and 600 900 6 14 to 12 1 3 बराबर है 1,32,900। तो दिस साइड इज मोर 186,900। टू जीरो नाइन माइनस 9,045 कितना आंसर दिया है, लाइट है 54,000 क्या हो गया, लॉस हो गया बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो ऑफ 4, 2 and 3। पहला नाम है सीताराम, गंगाराम और राजाराम। थोड़ा सा दिमाग लाओगे ना देखो वही अमाउंट आएगा 24,000, 12,000 and 18,000 आएगा, बिकॉज आपने 5,400 को डिवाइड किया था, इधर 5,400 एक जीरो और है तो इधर पे एक जीरो आ जाएगा। कैसे सर एक बार ना, वो 5,400 का है, 5,400 में 2,400 रुपये आ रहा है, ये 5,000 इतना है ना 5,400, तो इसका 2,400 और एक जीरो और है ना 24,000 रहेगा, फिर उधर पे 1200 है तो 12,000 रहेगा और 1800 का 18,000 आएगा। सब उतना कौन करे, ऐसा चुपचाप करो ना इधर 639 तो 9 6 54 6,000 × 4 24,000 ऐसा करो चुपचाप 12,000 और 6 3 18,000। ओके शिवम जी, आर यू ओके, कुछ समझ में आ रहा क्या? हाँ 6 आपने 9 से क्या क्या डिवाइड किया, 9 से डिवाइड किया तो 6,000 आया, 6,000 × 4 6,000 × 2 6,000 × 3। अब इसको कहाँ पोस्ट करेंगे हम लोग, क्रेडिट है तब ये डेबिट साइड टू रियल अकाउंट 24, 12 and 18,000 हो गया बच्चों। बस बट आई सेड दैट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल रियलाइजेशन क्लोज वी विल डू एज यूजुअल, जैसे नॉर्मल आप कर रहे हो वैसे करो, तो हो गया ना रियलाइजेशन क्लोज तक का पॉइंट, स्टार्टिंग से लेकर पोस्टिंग ट्रांसफर पॉइंट आइटम थ्रू टिल द टाइम ऑफ रियलाइजेशन क्लोज, आपका जो नॉर्मल सम करते हैं हम लोग वैसे करना है। हो गया यहाँ तक क्लियर, अभी हम लोग को वर्किंग नोट करना है, सो लेट टेक द वर्किंग नोट। हु इज बिकमिंग इंसॉल्वेंट, राजा राम बिकम इंसॉल्वेंट ऑफ बैंक्रप्सी। ओके वो एक ही मतलब है। चले बच्चों कैसे करना है, तो राजाराम का पहले क्या करना है, टोटल डेबिट कैपिटल कैपिटल अकाउंट में खाली राजाराम का देखो, राजाराम का डेबिट साइड में कितना है 18,000। ओके बच्चों, लेस टोटल क्रेडिट कैपिटल बैलेंस, उधर को पहला 7,000 6 13,000 13,000 18,000 14,800 ना 7 and 6 13 13 1 14 14,800 आएगा क्रेडिट साइड।
बराबर है ये वाला, ये तीन का, ओके 14,800 बराबर हो गया इतना। गेट बैलेंस, बैलेंस का कितना आएगा 3,200 बराबर है। टोटल डेबिट कैपिटल ऑफ दैट इंस्टॉलमेंट पार्टनर, सबका नहीं करना है, खाली इंस्टॉलमेंट का, इंस्टॉलमेंट कौन था राजा, उसका कॉलम करना है, बाकी लोग का नहीं। टोटल डेबिट कैपिटल माइनस टोटल क्रेडिट कैपिटल, अब गेट द बैलेंस। अब चेक करो राजाराम कुछ लेके आ रहा क्या, तो जो लाइन होल्ड किए थे ना उधर पे आने का, तो दिया हुआ है 1,000 ओनली वाज रिकवर फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट बराबर है, तो 1,100 रिकवर कैश ब्रिंग, 1,100 ब्रिंग कर रहा है। बैलेंस कितना था 3,200 था, और 1,100 ब्रिंग था, कितना बैलेंस रहेगा अभी 2,100। इसको बोलते क्या, डेफिशिएंसी और शॉर्टेज ऑफ फंड। जाने मामे अब 2,100 इज अ डेफिशिएंसी शॉर्टेज, दिस फंड विल बी अरेंज बाय हुम, सॉल्वेंट, दैट्स गुड। तो क्या करना है, इंसॉल्वेंट में बहुत आपको कुछ करना नहीं रहेगा, पहला रिहर्सल करो अपना, सम जैसे आप कर रहे हो वो करो, खाली वो इंसॉल्वेंसी का जो लाइन रहेगा ना उसको होल्ड करना, उसका स्टार्टिंग मत करो, जस्ट वेट फॉर दैट, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग नोट, उसको छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट डू इट फर्स्ट जैसा यूजुअल। क्लोज योर रिहर्सल अकाउंट, गेट प्रॉफिट लॉस, ये भी हो गया अपना, एंड आफ्टर दैट गो टू द वर्किंग नोट पार्ट। वर्किंग नोट में सारे पार्टनर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, खाली इंस्टॉलमेंट वाले पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इंस्टॉलमेंट का टोटल डेबिट कैपिटल, डेबिट साइड 18,000, टोटल क्रेडिट साइड कैपिटल, गेट द बैलेंस 3,200। अब चेक करो सबने कुछ बैलेंस लाया क्या, दैट इंस्टॉलमेंट पार्टनर यस इज ब्रिंगिंग समथिंग 1,100, स्टिल 2,100 क्या है, ये डेफिशिएंसी है बच्चों, ठीक है। चलो अब ये अपने को पहले कैश जो ब्रिंग होता है ना उसका एंट्री करना पड़ता है बच्चों, पहले कैश ब्रिंग का एंट्री करते हैं। कैश ब्रिंग का एंट्री क्या होता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, हु इज इंस्टॉलमेंट राजा राम 1,100 रुपये, ओके बच्चों। तो पहले एक एक्स्ट्रा एंट्री करना है, ये जो कैश लाया ना 1,100 रुपये, तो पैसे आ रहा है, कैश इज कमिंग इन, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, हु ब्रिंगिंग राजा राम, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा राम कैपिटल। अब पहले इसका पोस्टिंग करो, कैश बैंक टू राजा राम, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा राम, राजा राम कैपिटल 1,100, कैश बैंक टू राजा राम, तो राजा राम वाले में बाय कैश बैंक, राजा राम के कॉलम में 1,100 रुपये, ऐसा। कैश बैंक डेबिट साइड था तो कैश बैंक के डेबिट साइड लिखाऊँ, राजा राम कैपिटल क्रेडिट साइड है तो राजा राम के क्रेडिट कॉलम डालूँ, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा राम तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा राम, और राजा राम वाले में बाय कैश बैंक, ओके इतना। अब ये 22,100 का जो डेफिशिएंसी है उसका भी एंट्री करना पड़ेगा, क्या एंट्री था, सॉल्वेंट टू इंस्टॉलमेंट, हाउ मेनी सॉल्वेंट पार्टनर, टू, कौन, सीताराम और गंगाराम, इसको नीचे करना था, देखो तो कैसे आएगा एंट्री, सॉल्वेंट टू इंस्टॉलमेंट, सॉल्वेंट में सीताराम कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट, गंगाराम कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट, कौन है राजा राम, ओके बच्चो, सॉल्वेंट अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट। अभी 2,100 है, हम लोग का रेशियो था 4:2:3 ना, ये था सीताराम, ये गंगाराम, ये राजा राम, तो ये तो इंस्टॉलमेंट हो गया, फॉरगेट, तो हो गया 4:2, अब 4:2 वैसे भी कब चलेगा, और 2 1 2 2 2 4 2:1 ना, 4:2:3 है, ये राजा राम का था तो फॉरगेट राजा राम, राजा राम तो इंस्टॉलमेंट, तो सीताराम गंगाराम का 4:2
फोर इज टू टू मतलब आठ, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू इज टू वन है, डबल है ना। फोर इज टू टू मतलब चार हिस्सा दो हिस्सा, तो उसको मैं दो और एक बोलूँ तो क्या हो गया, वो तो डबल है, टू इज टू वन। तो इसको हम लोग फोर इज टू टू में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब फोर इज टू टू में करो, फोर इज टू टू करो भाई, कैसे आएगा अभी, फोर प्लस टू सिक्स, तो टू था या 100 डिवाइड बाई सिक्स, सिक्स थ्री जा 18, सिक्स फाइव जा 30, 350 आ गया। अभी क्या करूँ, 350 इंटू फोर, 350 इंटू टू कितना आ जाएगा 700, और एक को आएगा 1400। ओके, तो सीताराम कैप्ट अकाउंट डेबिट, गंगाराम कैप्ट अकाउंट डेबिट टू राजाराम, डेफिशिएंसी था 2100। अब वो 2100 में सीताराम पे कितना बर्डन जाएगा, 1400, और गंगाराम पे कितना बर्डन जाएगा, 700। बोलो ना चाहते हुए देना पड़ेगा, अंदर से गाली देते रहेंगे राजाराम को, बट क्या कर सकते हैं भाई, पार्टनर हैं। ओके ना, अब हमारे जैसे अभी शिवम और अरे क्या सनी और गुल्लू, ये लोग साहब एक दिन मैं गया, मेरे को कहीं जाना था, तो बोले चलो साहब मैं भी चलता हूँ, तो मैं जा रहा था साथ में। अब मुझे क्या मालूम, ये लोग उसी नेचर के हैं, और जाने वाले रोड पे सीटी मार रहे थे, अब साथ में मैं भी हूँ तो मैं ही फंस गया। ओके ना, तब ऐसा ही है, इंस्टॉलमेंट ये लोग हो गए तो बाकी वो दोनों फंसेंगे, तो उनको भरना ही है। ओके, 2400 एंड 700। अब इसका एंट्री करना है, कैसे करेंगे देखते हैं बच्चों, बराबर देखना हाउ टू डू। अब यहाँ पे थ्री एंट्रियाँ याद रखो सब लोग, फर्स्ट सीताराम अकाउंट डेबिट टू राजाराम, सीताराम और गंगाराम ये दोनों डेबिट है ना, तो सीताराम और गंगाराम दोनों डेबिट है, तो डेबिट कॉलम में लिख रही हैं। सीताराम का कितना अमाउंट है डेबिट साइड, 1400, गंगाराम का कितना है, 700, ऐसा। सीताराम और गंगाराम जो सॉल्वेंट पार्टनर है, क्या था अपना एंट्री, सॉल्वेंट पार्टनर टू इनसॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट डेबिट साइड है, तो आई विल पुट ऑन द डेबिट साइड। तो उसमें 2100 रुपए में सीताराम का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1400, एंड द गंगाराम 700, बराबर है। ये लोगों ने कंट्रीब्यूशन किसको पे किया, राजाराम को, तैयार लिख लिया टू राजाराम का। ओके, तो सॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, तो कैपिटल उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा पुट ऑन द डेबिट साइड। एंट्री वाइज अगर मेरे को जानने का रहेगा, देखो सीताराम अकाउंट डेबिट टू राम, सीताराम अकाउंट डेबिट टू राजाराम, गंगाराम अकाउंट डेबिट टू राजाराम, गंगाराम अकाउंट डेबिट टू राजाराम। पॉज कर दो। चले बच्चों, तो सीताराम और गंगाराम का आपने डेबिट किया, बराबर है। अब सीताराम टू राजाराम, इन सीताराम यू हैव रिटन टू राजाराम, तो राजाराम वाले में बाय सीताराम है ना, वन इज रियलाइजेशन में टू कैश, तो कैश वाले में बाय रियलाइजेशन लिखते हैं हम लोग, इन रियलाइजेशन टू कैश, तो कैश वाले में आपने क्या लिखा, बाय रियलाइजेशन का ना। तो सिमिलरली इन सीताराम यू हैव रिटन टू राजाराम, तो राजाराम वाले में क्या लिखना पड़ेगा, बाय सीताराम। अरे मैं बताता हूँ आपको कैसे करने का, राजाराम का कितना क्रेडिट है, 2100, बट 2100 में सीताराम ने कितना पेमेंट किया, 1400, एंड द 700 कंट्रीब्यूटेड बाय गंगाराम। तो सीताराम का डेबिट में लिखा आपने, अब इधर राजाराम में 1400 क्रेडिट, इट मीन राजाराम बिल से दिस 1400 कंट्रीब्यूटेड बाय सीताराम। गंगाराम ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 700, ये दोनों के डेबिट कॉलम लिखते हैं, और राजाराम का क्रेडिट चेक करो, सीताराम डेबिट था 1400, सीताराम 1400 का डेबिट, गंगाराम डेबिट था, गंगाराम डेबिट, एंड राजाराम का 2100 क्रेडिट था, ये देखो 2100 क्रेडिट है ना दोनों का ऐड करके, बट वी हैव टू राइट स्प्लिट करके, वाई, बिकॉज द टू डिफरेंट पार्टनर हैव कंट्रीब्यूटेड, ऐसा। सॉल्वेंट का डेबिट था लिखना है, इनसॉल्वेंट का क्रेडिट था लिखना है, बस पॉज करो। चलो बच्चो, आफ्टर ये जो इंसॉल्वेंसी का था अपना दोनों एंट्री करने के बाद, पहले क्या क्लोज करें,
इंस्टॉलमेंट कॉलम को टैली कर देना, आपका इंस्टॉलमेंट पार्टनर का कॉलम क्या होगा, वो टैली हो जाएगा। तो 18,000 टैली एंड अदर दो इंस्टॉलमेंट पार्टनर जस्ट क्लोज एंड गेट द बैलेंस, वो लोग का क्लोज करो, ये बैलेंस कितना आ गया, एक का 50,000 और एक 37,500। दिस इज फाइनल सेटलमेंट दैट विल गो कैश बैंक अकाउंट। और मालूम है कैश बैंक अकाउंट क्या होता है, टैली। ये अभी थोड़ा सा ऑड लग रहा है, ऑड का बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा है सर, उसको इन इंसॉल्वेंसी सम टिल रियलाइजेशन तक तो सर यहाँ तक तो गाड़ी स्मूथली चला, उसके बाद ना जैसे वो यूपी बिहार का ट्रेन यहाँ से मुगल सराय तक बराबर जाता है, उसके बाद बस चलेगा आधा घंटा रुकेगा, फिर चलेगा आधा घंटा रुकेगा, वही कहानी ऐसे इधर भी होएगा। क्या करने है कैपिटल अकाउंट में, जब आगे ना कैपिटल अकाउंट तो पहले कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली पहले वर्किंग नोट डालेगा। दोज पार्टनर हु इज इंसॉल्वेंट उसका टोटल डेबिट कॉलम 18,000, टोटल क्रेडिट कैपिटल तो ये सब टोटल आपने किया था तो कुछ 14,800 था, गेट बैलेंस एंड ब्रिंग व्हाटएवर कैश ब्रिंग हुआ रहेगा उसको लेस कर दो। दिस बैलेंस इज कॉल्ड व्हाट, डेफिशिएंसी। अपने टू एंट्री वी हैव टू पास, पहला क्या है कैश ब्रिंग हो 1100 रुपये का, कैश बैंक टू इंस्टॉलमेंट पार्टनर को ना राजा, कैश बैंक टू राजा कैपिटल, तो राजा वाले कैपिटल में बाय कैश बैंक हो गया। मेरा पिन कहाँ है, वेट, चलो मैं बच्चों उसके बाद डेफिशिएंसी का अमाउंट, सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट पार्टनर को सीताराम एंड गंगाराम, ओके। तो सीताराम कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने उसको रेशियो में, तो 1,400 आ रहा, गंगाराम का 700। अभी 1,400 एंड 700 इसका इफेक्ट डालना है, दोनों डेबिट साइड था ना, तो दोनों को डेबिट डाल दो, सीताराम एंड गंगाराम, ओके। वो लोग के कॉलम में क्या लिख दिया आपने, टू राजाराम कैपिटल, और राजाराम का क्रेडिट है आप देखो, ये दोनों का डेबिट था ना, तो उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में क्या करना है, क्रेडिट करने का। या सुनो अभी अभी बाकी था लिखने का पर्टिकुलर, दिस 1400 कंट्रीब्यूटेड बाय होम, सीताराम, यहाँ लिखने बाय सीताराम, आप लोग पैकअप करके बैठ गए थे, सीताराम कैपिटल अकाउंट, और दिस कंट्रीब्यूशन मेड बाय होम गंगाराम, बाय गंगाराम, ऐसा। अब देखो सीता वाले में टू राजाराम, राजाराम वाले में बाय सीताराम, गंगाराम वाले में टू सीताराम, टू राजाराम, राजाराम वाले में बाय गंगाराम, सेकेंड इफेक्ट है ना, सीताराम में टू राजाराम, तीन राजाराम बाय सीताराम कैपिटल, इन गंगाराम टू राजाराम कैपिटल, तो इन राजाराम बाय गंगा कैपिटल। अब वो दोनों को टैली कर दो, ठीक है, देन बाकी जो बैलेंस कैपिटल अकाउंट उसको टैली करो एंड गेट द डिफरेंस, इसको कहाँ डालते हैं हम लोग, कैश बैक अकाउंट, दैट विल गेट टैली, क्लोज कर दो।